हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो है, इसमें हम समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, परचेज बुक कैसे बनती है जब आपके सामने फ्राइट आ जाता है, फ्रेट फ्रेट चार्जेस आगे, और लेजर कैसे बनता है ये भी समझेंगे। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम पूरा बेहतरीन समझने वाले हैं। ये है TS अग्रवाल का क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले तो फॉर्मेट समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपने पहली वीडियो देखी है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले आप वो वीडियो जाके देख देखिए, तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए ये इस तरह से फॉर्मेट बनता है हमारा। इन द बुक्स पहले लिख दिया, वो कमल था नाम हमारा, तो इन द बुक्स ऑफ कमल, परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स। अब यहाँ पर सीधा अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि होता क्या है कि फ्रेट आ गया अलग से, तो पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट, कि बेसिकली खर्चा कितना हुआ। अमाउंट नहीं लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, परचेज करते हुए आपका खर्चा होता है, खर्चे को क्या बोलते हैं, कॉस्ट। लेकिन हमने कॉस्ट अलग क्यों लिखा, अमाउंट क्यों लिखा सीधा, क्योंकि फ्रेट अलग चीज़ है। जो आपने फ्रेट चार्जेस पे किए वो बेसिकली एक होता है परचेज जो करते हुए पे करते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड्स, तो उसका कॉलम अलग बनेगा, उसको कॉस्ट के अंदर नहीं जोड़ना। अगर आपने सीधा अमाउंट लिख दिया तो फ्रेट वाले चार्जेस को भी आप क्या करोगे, अमाउंट के अंदर, कॉस्ट के अंदर जोड़ दोगे। सीधा अमाउंट क्यों नहीं लिखना, क्योंकि फ्रेट इनवर्ड अलग आपको दिखाना है, ये आपको एक्सपेंस होता है आपके लिए, तो ये आपको अलग दिखाना है, परचेज वाले में नहीं दिखाना, ध्यान रखना है बात। फ्रेट इनवर्ड आपको अलग दिखाने के लिए, इसलिए आपने अमाउंट के कॉलम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कि फ्रेट इनवर्ड अलग कर दिया क्योंकि वो आपका खर्चा है, वो अलग दिखाना पड़ेगा, खर्चे का कॉलम अलग बन गया, और कॉस्ट का आपने अलग बना दिया क्योंकि इसका हो गया, और इन दोनों को जो टोटल करेंगे तो वो टोटल का कॉलम बना दिया अलग से, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं, तो डिटेल तो आएगा ही आएगा, कॉस्ट बस आ गया, सीधा अमाउंट नहीं आएगा इस बार, फ्रेट इनवर्ड आ गया। अगर कोई और भी खर्चा होता, कैरेज इनवर्ड, तो उसका कॉलम अलग बन जाता, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में जैसे कि आपको दिख रहा है कि फ्रेट चार्जेस ही दे रखे हैं, तो सिर्फ फ्रेट चार्जेस आएगा, कैरेज होता तो कैरेज भी एक कॉलम बनता, परचेज करते हुए क्योंकि सामान आता है तो फ्रेट इनवर्ड बोलते हैं, खाली फ्रेट नहीं लिखना, ठीक है। तो अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2022 अप्रैल 1 को वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता से खरीदा 30 कलर टीवी एट 15,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस फ्रेट चार्जेस 2,000। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले नाम लिखते हैं हम, कि भाई किससे सामान खरीदा है, तो पहले यहाँ लिखते हैं 2022 अप्रैल 1, ठीक है। सबसे पहले नाम आएगा उस पार्टी का जिससे आपने खरीदा है, तो यहाँ लिखेंगे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, साथ में शहर भी आएगा कोलकाता, और फिर कह रहा है कि भाई अब उसने खरीदे थे 30 कलर टीवी, तो चलो यहाँ लिखते हैं फिर 30 कलर टीवीज एट 15,000 ईच, तो एक टीवी 15,000 का था तो उसके हिसाब से खरीदा, तो 30 कलर टीवीज खरीदे ने 15,000 ईच, तो यहाँ पर कितने खरीदा होगा उसने, एक टीवी अगर 15,000 का है तो 30 टीवी खरीदे, तो 15,000 इंटू 30 यानी कि 4.5 लाख, तो डिटेल में लिखते हैं वो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो वो 4.5 लाख का खरीदा। लेकिन वो कह रहा है कि इसके ऊपर उसको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला 10% का, तो इसका मतलब 4.5 लाख का नहीं, सीधा कॉस्ट में नहीं लिखना, 4.5 लाख का नहीं पड़ा, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लग गया आपके ऊपर, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट लग गया, तो 4.5 लाख का 10% 45,000, इसको अगर मैं माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 4,05,000। लेकिन अभी भी सीधा हम डबल लाइन खींच के कॉस्ट में नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, वो कह रहा है कि फ्रेट भी तो दिया, फ्रेट चार्जेस 2,000 रुपये भाई साहब, वो भी इसके अंदर जोड़ेंगे, क्योंकि जब तक टोटल अमाउंट निकाल लेते भाई कितनी आपको आई है, कितनी पे करनी है आपको टोटल अमाउंट, तब तक आप सीधा नहीं लिख सकते कॉस्ट में, अब आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, एड फ्रेट चार्जेस
ठीक है, तो ये 2000 रुपये अब आपका आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल, तो टोटल करते हैं तो 4,07,000 आ गया। अब इसको आप डबल लाइन खींच दीजिए, और अब आपको दिखाना है कि कॉस्ट आपको कितनी पड़ी, इस 4,07,000 में आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी और फ्रेट कितना पे करना पड़ा। तो कॉस्ट तो आपको पड़ी 4,05,000 की, लेकिन ऊपर से जब आपका फ्रेट होता गया है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस होता है। जब आप कोई सामान, जैसे आपके पास सामान आ रहा था, तो जिसने भिजवाया आपके ऊपर सामान, तो जब आपने ट्रांसपोर्टेशन का भिजवाने को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाले क्या करते हैं, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल भेज रहे हो आप, तो वो आपको चार्जेस लेते हैं। वो पैसा कैसे कमाते हैं, फ्रेट से कमाते हैं। जब आप सामान भिजवाते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर, तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आपसे फ्रेट लेती है, तो आपने वो फ्रेट पे किया 2000 रुपये का। ठीक है, तो बेसिकली 2000 रुपये आया, और 2000 रुपये बेसिकली ये आप समझना ना, पे नहीं किया, बेसिकली पे करना है, ये उधार परचेज है ना, कि आपने 2000 पे करना है। कॉस्ट कितनी बढ़ी आपको फ्रेट को छोड़ के, 4,05,000, तो 4,05,000 की तो कॉस्ट पड़ी, और 2000 रुपये फ्रेट इनवर्ड है, तो फ्रेट इनवर्ड में दिखाएंगे, और टोटल तब जाके आपका 4,07,000 आया। ऐसे दिखाना है आपने, समझ गए, कि टोटल आपको 4,07,000 का खर्चा पड़ेगा, जिसमें 4,05,000 तो आपकी कॉस्ट है और 2000 रुपये फ्रेट इनवर्ड है। ऐसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 15 को सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी से 10 कलर TV खरीदे 20,000 ईच, लेस स्टेट डिस्काउंट। चलो बनाते हैं फिर। अब यहाँ लिखते हैं अप्रैल 15, नाम लिखेंगे पहले उसका, वो है हमारा सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, भी साथ में लिखना है अपने। वो कह रहा था कि भाई हमने खरीदा है 10 कलर TV और एक टीवी जो है वो 20,000 रुपये का। तो भैया अगर 10 TV खरीदे हैं, एक टीवी 20,000 रुपये का है, तो भैया कितना आपने, कितने का खरीदा होगा, 20,000 रुपये का एक टीवी, 10 में ना कि 2 लाख, 20 × 10 2 लाख, और इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा, तो यहाँ लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, तो 2 लाख का 10% होता है 20,000, ये आ गया। तो इसका मतलब आपको खर्चा, कॉस्ट कितने की पड़ी, 1,80,000। अब आपको यहीं पे डबल लाइन खींच देनी है, क्योंकि फ्रेट है ही नहीं, इसमें फ्रेट दे ही नहीं रखा था, तो यही आपकी कॉस्ट है 1,80,000 में कॉस्ट में लिखेंगे, फ्रेट है ही नहीं तो डैश कर दो, तो टोटल खर्चा भी आपका 1,80,000 ही होगा टोटल में। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे लास्ट में, हमारा लास्ट में नहीं, अभी अप्रैल 20 को परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड डेली 10 म्यूजिक सिस्टम खरीदे है 10,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। देखो अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वही करना है, तो अप्रैल क्या लिखेंगे, 20, ठीक है ना, नाम आ जाएगा उसका म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली, ठीक है, तो ये 10 म्यूजिक सिस्टम खरीदे ना आपने, तो यहाँ लिखिए 10 म्यूजिक सिस्टम्स, और एक म्यूजिक सिस्टम जो आपने खरीदा वो 10,000 रुपये का है, ये रुपीज साइन लगा देना हर जगह पे भी ऐसे, 10,000 ईच, तो 10,000 रुपये का एक म्यूजिक सिस्टम है, 10 आपने खरीदे, तो 10,000 जो 10 कितना होता है, 1 लाख, यानी कि 1 लाख का खरीदा आपने टोटल। अब इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, तो ट्रेड डिस्काउंट एट 15% लगेगा, तो 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000, तो इसका मतलब आपको कॉस्ट कितने की बढ़ गई होगी, 85,000, फिर 1 लाख में से 85,000 गए 85,000, और यही 85,000 आपकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट के कॉलम में लिख दिया, लेकिन फ्रेट तो है ही नहीं, तो फ्रेट को तो आपने डैश कर देना है, तो यानी कि टोटल खर्चा भी कितना आ गया, इन दोनों को टोटल करके कितना आ रहा है, 85,000 आ रहा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वाले देखते हैं, हमारे क्या लिखा, अप्रैल 30 को वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से 5 वॉशिंग मशीन खरीदी है 15,000 ईच, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट फ्रेट चार्जेस भी दे रखा है, तो चलिए इसका भी करते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर लिखना है अप्रैल 30,
तो यहाँ लिखेंगे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था कि भाई हमने 5 वॉशिंग मशीन खरीदी है, तो लिख देते हैं भाई यहाँ पर 5 वॉशिंग मशीन्स खरीदी है एट 15,000 ईच। एक वॉशिंग मशीन 15,000 की है और हमने 5 खरीदी है, तो 15,000 × 5 कितने पैसे देने हैं? 75,000। तो 15,000 × 5 कितना होता है? 75,000। लेकिन वो कह रहा था कि ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, तो यहाँ लिखिएगा लेस, यहाँ करेंगे अब लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट 20%। तो 75,000 का जब 20% निकालते तो कितना आता है? 15,000 आते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो इसका मतलब आ गया 60,000। 60,000 की कॉस्ट आ गई हमारे पास, जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं क्या क्या आती है? कॉस्ट, ये कॉस्ट आ गई। लेकिन इसके ऊपर फ्रेट चार्जेस भी है, वो भी पहले ऐड करेंगे, तो वो ऐड करेंगे तो ऐड यहाँ लिखेंगे फ्रेट चार्जेस। ठीक है, ऐसे लिखेंगे ऐड फ्रेट चार्जेस, 1,000 रुपये के फ्रेट चार्जेस है, तो इसका मतलब आपका टोटल, ये सॉरी टू यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये लाइन नहीं खींचनी थी, टोटल आपका आ गया 61,000, इतना पे करना है। लेकिन उसमें से आपकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट का कॉलम ये है, उसमें से कॉस्ट है 60,000, जो आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आता है वो कॉस्ट होती है आपकी। तो 60,000 पे तो कॉस्ट है, तो 60,000 कॉस्ट में लिखेंगे, बाकी 1,000 रुपये क्या है? फ्रेट। तो फ्रेट का हमने कॉलम अलग बना रखा है, वो यहाँ लिखेंगे, यानी तब जाके आपका टोटल आ रहा है 61,000 का। समझ रहे हो? ये चीज़ है। तो जैसे कि हमने अब पिछले फॉर्मेट में देखा था, पिछली वीडियो में, अगर आप देखो तो हम क्या लिखते हैं, अब टोटल करके लास्ट में ये सबका टोटल करते हैं, टोटल वाले कॉलम का। फिर हम परचेज अकाउंट डेबिट लिखते थे, यहाँ नहीं लिख सकते परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो ये टोटल सिक्स, ये जो टोटल वाला कॉलम है ना, इसमें फ्रेट भी इंक्लूड है। हम जो कॉस्ट वाला कॉलम है ना, ये जाता है परचेज अकाउंट में कॉस्ट, फ्रेट वाला तो अलग जाता है ना, ये फ्रेट अकाउंट बनेगा इसका, फ्रेट इनवर्स अकाउंट। कॉस्ट वाला कॉलम जो है वो परचेज अकाउंट में जाता है। टोटल टोटल में बेसिकली फ्रेट भी इंक्लूड था, तो इसलिए हम यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे टोटल, कि भाई टोटल का भी टोटल कितना है, सभी का पूरे महीने का टोटल मुझे बताना है। तो महीना के एंड में निकालते हैं टोटल, तो अप्रैल का महीना का बैठ रहता है 30 अप्रैल को, तो इसका टोटल करना है। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो वो आएगा आपके सामने 7,33,000, जब आपके टोटल करोगे। ये हमने निकाला था, ठीक है, ये निकाल लिया हमने, ये यही चीज़ करनी थी, समझ गए। अब हमें इसका लेजर बनाने हैं सारे, लेजर। तो देखिए, सबसे पहले लेजर बनाने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, पहले जनरल एक एंट्री कर लेते हैं, जनरल से लेजर बनाना काफ़ी आसान होता है। पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं कि इनकी जो टोटल आया लास्ट में, पहले एक टोटल देखो, टोटल सिर्फ एक का नहीं करना, इसका भी तो करना पड़ेगा, फ्रेट का भी। टोटल फ्रेट कितना पे करना है महीने के एंड में? 2,000 ही सिर्फ फ्रेट आ रहा है, हाँ यहाँ पर भी आ रहा है 1,000 रुपये, तो 3,000 रुपये आ गया फ्रेट, है ना। और कॉस्ट का कॉलम कितना आएगा आप मुझे बताओ? कॉस्ट का कॉलम तो 7,30,000 रुपये आना चाहिए ना, अपने आप आना चाहिए, क्योंकि टोटल का कॉलम कैसे निकला होगा? कॉस्ट प्लस फ्रेट, तो कॉस्ट का कॉलम तो ऑटोमेटिकली 7,30,000 रुपये ही आना चाहिए मेरे भाई। आप चाहे निकालो के तब भी वही आएगा, क्योंकि हमने लॉजिक लगा दिया कि भाई 7,30,000 प्लस 3,000, 7,33,000 तभी तो आता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब लेजर बनाने के लिए पहले जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री पास कर लेते हैं पहले, तो देखो ये हमने फॉर्मेट बना लिया। आपको ऐसे लिखना है कि पहले हम जनरल एंट्री क्योंकि पास कर रहे हैं परचेज बुक की पोस्टिंग करने के लिए, तो जनरल एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक, ठीक है। तो हमने जनरल बना लिया, एक जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री बेसिकली महीने के एंड में पास करनी है, परचेज बुक का मतलब ही यही है कि हमें महीने की एंड में देखना है, कि महीने के एंड में सीधा समझ में आ जाएगा कि मैंने टोटल परचेस कितनी करी, यही तो मतलब है परचेस बुक में फ़ायदा। तो महीने के एंड में जनरल एंट्री पास करनी, एक एक डेट की नहीं करनी। तो अप्रैल 30 को समझ में आएगा ना टोटल, तो अप्रैल 30 को पास करनी है। तो यहाँ पर जब डेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2022 अप्रैल 30, ठीक है। तो देखो मुझे एक चीज़ बताओ, आपके सामने टोटल क्या है? कॉस्ट का कॉलम को क्या बोलेंगे? परचेज अकाउंट का टोटल, ये परचेज अकाउंट में जाएगा, ये 7,30,000 रुपये। फ्रेट इनवर्ड अकाउंट में जाएगा,
और ये बाकी टोटल तो भैया टोटल है, हमें तो क्या क्या अकाउंट बनाना है इसका, मतलब एक तो परचेज अकाउंट बनाना है, एक फ्रेट वाला बनाना है और बाकी इन सब के नाम वाले अकाउंट बनाने हैं, हाँ है ना। तो ये चीज़ देख लिया, तो इसका मतलब एक तो बनाना है परचेज अकाउंट, और परचेज जब हम करते सामान तो क्या होता है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो इसका मतलब यहाँ लिखिएगा सबसे पहले परचेज इज अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो अकाउंट क्या होता है डेबिट। और इसका तो ये अमाउंट कितनी आएगी, जो पूरे महीने कितनी परचेज करी, कॉस्ट वैल्यू होती है 7,30,000 रुपये। फ्रेट नहीं लेते, फ्रेट वाला अलग लेके 7,30,000 रुपये का सामान खरीदा है, तो यहाँ लिखेंगे 7,30,000। और फिर फ्रेट इनवर्ड, ये आपका खर्चा है और खर्चा क्या होता है डेबिट, कंपाउंड एंट्री करेंगे एक साथ, तो यहाँ भी लिखेंगे फ्रेट इनवर्ड अकाउंट, ये खर्चा होता है, ये भी क्या होगा डेबिट 3,000 रुपये। और ये सारा खर्चा, ये जो सारा हुआ, ये कैसे हुआ, हमें खरीद जब हम सामान खरीदते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, जब हम उधार में खरीदते हैं तो टू करके क्या आता है, नाम आता है बंदों का, आता है ना, टू क्या आता है, उन बंदों का नाम आता है किस किस से माल खरीदा। तो देखो ये बंदे के नाम है, पहला है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, फिर सोनी इंडिया लिमिटेड, फिर म्यूजिक इंडिया, फिर वीडियोकॉन, यही तो लिखेगा ना, तो यही लिखना है आपने कि भाई वीडियो कौन से कितने खरीदा, और वीडियो कौन से जो खरीदा उसमें क्या करना है, टोटल वाला लिखने से था टोटल वाला, क्योंकि हमने क्या करा, एक साथ कंपाउंड एंट्री कर दी, फ्राइड को भी तो एक साथ जोड़ देंगे ना, हमें 7,33,000 का टोटल, नीचे भी क्रेडिट साइड में 7,33,000 चाहिए, तो कैसे आएगा, जब आप इसको 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 इन दो तीनों को लिखोगे और तब जाके 7,33,000 आएगा। कॉस्ट वैल्यू नहीं लिखनी खाली, क्योंकि हमने खाली ये एंट्री कर रहे हैं, ये एंट्री नहीं कर रहे, परचेज अकाउंट डेबिट टू वो जो क्रेडिटर का नाम आता है, फ्राइड भी जोड़ दिया हमने। तो सबसे पहले जब बंदे का नाम आएगा, जब उधार में खरीदते हैं, तो सबसे पहले बंदे का नाम है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, वो आएगा आपका कोलकाता जो लिखा हुआ है, 4,07,000 का देखो आपने माल खरीदा है, फ्रेट समेत लिखना है, क्योंकि टोटल उसको पैसा देना कितना है, 4,07,000 ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद टू सोनी इंडिया लिमिटेड से खरीदा था सामान, तो यहाँ लिखेंगे सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, 1,80,000 रुपये देने उसे, तो 1,80,000 लिख दिया। फिर टू वीडियो कौन दोबारा से उससे खरीदा था, तो दोबारा से, अब देखो मेरी एक चीज़ बात सुनो, जब आपने एक ही बंदे से दो बार सामान खरीदा है तो आप एक ही अकाउंट खोलोगे ना, दो अलग अलग थोड़ी खोलोगे, तो आप क्या कर सकते हो 61,000 में इसमें ही प्लस कर सकते हो सीधा, क्योंकि एक ही अकाउंट खोलोगे आप वीडियो कॉन इंडिया लिमिटेड का, ये थोड़ी है कि इसका ये अलग बंदा थोड़ी है, ये अलग बंदा थोड़ी है, ये एक ही बंदे है। तो ऐसा करेंगे फिर हम क्या करेंगे, 61,000 इसमें ऐड कर देते हैं, अलग से नहीं लिखते, क्योंकि वीडियो कॉन दो दो बार थोड़ी लिखोगे, एक ही नाम के दो अकाउंट ही खुलते, तो 61,000 में मैं इसको प्लस कर दूंगा तो 4,68,000 पे आ जाएगा, क्लियर। लेकिन एक और बंदा था जिसका नाम था, हमने यहाँ से खरीदा था म्यूजिक इंडिया लिमिटेड डैडी, वो तो लिखना रह गया था म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, तो वो लिखेंगे टू म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली, तो 85,000 पे, क्लियर। तो नरेशन क्या लिखेगा, अब यहां पर नरेशन लिख देते हैं, बीइंग परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ, ये जो अप्रैल की है ना, ये अप्रैल की हमने परचेज लिखी है, अप्रैल 2022, तो जो पूरे महीने की जो परचेज है वो हमने उसकी जनरल एंट्री करी है ना, पूरे महीने की परचेज की सीधा हमने जनरल एंट्री कर दी। अब हम लेजर अकाउंट में आएंगे एक एक करके, तो अब हम बनाते हैं लेजर अकाउंट सारे के सारे, बहुत छोटे छोटे अकाउंट है, कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले परचेज अकाउंट बना लेते हैं हम, देखो तो देखो ये बना लिया हमने फॉर्मेट परचेज अकाउंट का, तो कैसे बनेगा परचेज अकाउंट, बहुत सिंपल है, मुझे एक चीज़ बताओ आप, ऊपर जनरल, आप देखो पोस्टिंग कैसे करते हैं, जनरल एंट्री से पोस्टिंग कर लेते हैं, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, कितने से हो रहा है 7,30,000, तो भैया अगर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो भैया डेबिट साइड पर आएगा ना परचेज अकाउंट के, है ना, ऐसे तो करते हैं पोस्टिंग, कि वो अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट,
तो डेबिट साइड पे लिखेंगे महीने के एंड में वो लिखेंगे 2022 अप्रैल 30, यही तो लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे भाई, हम देखते हैं कि क्रेडिट क्या हुआ था जब हम पोस्टिंग करते हैं। अगर यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम क्या देखते हैं फिर कि क्रेडिट क्या हुआ था। तो टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, टू सोनी इंडिया लिमिटेड कोलकाता। तो एक फॉर्मेट तो तरीका ये है कि आप सबके तीनों के नाम लिखो और सिंपल पोस्टिंग करो। और दूसरा तरीका क्या है, आप सीधा लिख सकते हो सीधा कि भाई इनका टोटल सीधा लिखो, जैसे क्योंकि आपने यहाँ पर सीधा टोटल अमाउंट लिख सकते हो 7,30,000 रुपये। उसके लिए क्या तरीका है, उसको क्या लिखना पड़ेगा आपको नाम वहाँ पर, वो लिखना पड़ेगा टू करके लिखते हैं, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। आप ये भी लिख सकते हो, आप अलग अलग भी लिख सकते थे कि टू वीडियोकॉन इंडिया टू, ये आप सीधा लिख सकते हो कि भाई टू टोटल, कि परचेज बुक का टोटल, सन्ड्रीज बोलते हैं टोटल, कि हमने सीधा परचेज बुक का टोटल देखा और सीधी पोस्टिंग कर दी परचेज अकाउंट में, सिंपल। और मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट का जो टोटल होता है वो आता है परचेज अकाउंट में। तो 7,30,000 रुपये, यहाँ भी देखो 7,30,000 लिखा था मैंने, तो 7,30,000 रुपये आएगा यहाँ पर। ऐसे करते हैं, सिंपल करना है ख़त्म। उसके बाद आप क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं फिर अकाउंट का, और बैलेंस निकालते हैं महीने की एंड में ही निकालते हैं, आपको पता है 2022 अप्रैल 30 को ही हमने टोटल करा, तो अप्रैल 30 को ही बैलेंस निकलेगा ना, महीना का एंड अप्रैल 30 को ही होता है ये भी। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस आ गया कि इधर ये डेबिट साइड बड़ी थी 7,30,000 रुपये, इधर भी आना चाहिए, ये बैलेंस आ गया और ये अब टोटल कर देंगे 7,30,000 रुपये का। और यही महीने, यही आपका बैलेंस क्या जाता है अगले महीने, अगले महीने क्या होता है ब्रॉड डाउन हो जाता है, जी हाँ ये ब्रॉड डाउन होता है इस साइड पे। तो 2022 मई फर्स्ट, अगला महीना मई फर्स्ट को आता है, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी यानी कि ब्रॉड डाउन। तो ऐसा करते हैं, समझ आ गई बात किस तरह से बनाना होता है, सेम टू सेम। एक और अब सारे अकाउंट बनाते हैं फिर, जैसे कि इन तीनों के अकाउंट बना लेते हैं एक बार। तो देखिए ये वाले सारे अकाउंट बनाएंगे, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, ये सब सारे अकाउंट बनाने वाले हैं। तो बड़ा सिंपल है, देखो मुझे अच्छे बताओ, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोई भी हम अकाउंट बना रहे हैं, ये सब क्या है, क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिटर है हमारे, लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी किस साइड से बढ़ती है, क्रेडिट साइड से। तो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होगी और महीने के एंड में ही तो करिए सारी, नहीं ये ना गलती कर देना, महीने के एंड में जो एंट्री करी थी यहाँ पर ये टोटल था। हमें जब इनके डिफरेंट अकाउंट की पोस्टिंग करनी है ना, वो महीने की सीधा अप्रैल 30 को नहीं करेंगे, माल कब खरीदा था उनसे उसके हिसाब से एंट्री पोस्टिंग करेंगे। परचेज अकाउंट में तो सीधा हमने टोटल लिखा तो उसमें तो सीधा महीने के एंड में सीधा होगी। जनरल एंट्री ये बेसिकली, जनरल एंट्री क्या है कि महीने के एंड में जो बैलेंस वाली थी, महीने के एंड में जो टोटल आया था उसकी जनरल एंट्री हमने करी थी, लेकिन यहाँ पर जो हमने क्रेडिट किया था वो भले महीने के एंड में ही जनरल एंट्री में आ गया था, बट ये जो पोस्टिंग करेगी जब इसकी, इनके डिफरेंट अकाउंट की, तो हमें देखना पड़ेगा ना इनके डिफरेंट अकाउंट की, देखो कब कब हुआ था, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से कब माल खरीदा था अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 को करेंगे ना, ये थोड़ी है कि अप्रैल 30 को करें, अप्रैल 30 को करेंगे भैया। जब मैं अलग अलग अकाउंट की, अलग अलग अमाउंट की पोस्टिंग कर रहा हूँ तो उसमें अमाउंट हर एक डेट उसकी अलग अलग है, तो इस हिसाब से अपने जो अलग 4,07,000 रुपये जो माल खरीदा मैंने पहला अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 को लिखे गया, तो यहाँ लिखे गए देखो क्रेडिट साइड पर सारा पोस्टिंग होगी 2022 अप्रैल 1, ठीक है। और भैया डेबिट क्या हुआ था, परचेज अकाउंट ही तो हुआ था, क्योंकि परचेज हमने एंट्री क्या करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू वीडियोकॉन इंडिया, यही तो एंट्री करी है, तो वो कंपाउंड कर दी ना वो, तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट, तो इन तीनों में परचेज अकाउंट ही डेबिट हुआ था। फ्राइट इनवर्ड अकाउंट डेबिट इसके साथ नहीं करना है, हम परचेज अकाउंट वाला देखना है, ठीक है। यानी कि फिर हमें 4,07,000 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे फिर 4,05,000, क्योंकि अगर आपने 4,07,000 लिख दिया और बाय परचेज अकाउंट लिख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज परचेज अकाउंट में कॉस्ट वैल्यू जाती है, फ्राइट इनवर्ड वाला जोड़ के नहीं जाती। तो जब आप बाय परचेज अकाउंट लिखोगे तो फ्राइट वाला नहीं लिखोगे, खाली कॉस्ट वैल्यू लिखोगे, तो आप बाय परचेज अकाउंट लिखोगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेज अकाउंट बट कॉस्ट वैल्यू लिखनी है। ये गलती ना कर देना, सीधा 4,07,000 लिख रहे हो, फिर तो आपने फ्राइट को भी जोड़ दिया, तो फिर आपको बाय फ्राइट इनवर्ड भी लिखना चाहिए ना फिर तो, ठीक है।
तो इसलिए ये गलती ना करना। हाँ अब आप देखो पाए परचेज अकाउंट में पहले आप देखोगे 4,05,000 रुपये आएगा। अब आपका डेबिट साइड पे एक और चीज़ थी वो फ्लाइट इनवर्ट। अब आप अलग से लिखो कि भाई 4,05,000 रुपये का तो परचेज किया लेकिन फ्लाइट अलग से कितने का दिया, फ्लाइट अलग से कितने का देना है, मतलब अभी दिया नहीं है 2,000 रुपये का। तो यहाँ पर देखो डेबिट साइड पे आपने पहले तो बाय परचेज अकाउंट लिख दिया, और क्या है डेबिट साइड पे, फ्लाइट इनवर्ट भी तो है, तो ये भी लिखेंगे। तो लिखेंगे सारा, क्योंकि खाली 4,05,000 रुपये नहीं देने, उसे 2,000 रुपये भी देने, और वो किस चीज़ का है, फ्राइट का। तो यहाँ लिखिए बाय फ्राइट, बाय फ्रेट इनवर्ट्स अकाउंट, ठीक है, ये भी तो लिखेगी साथ में बाय फ्रेट्स इनवर्ट अकाउंट। अब यहाँ पर इसको यानी कि 4,07,000 रुपये टोटल देने हैं, तो इसका टोटल कर लेते हैं 4,07,000 देने हैं, और ये आपका महीने की एंड में हमारा बैलेंस निकालते हैं, तो 2022 अप्रैल को ही तो महीना एंड होता है 30 को, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 4,07,000 रुपये ये आ गया। और हम क्या करते हैं फिर इसका टोटल करते हैं ऐसे करके डबल लाइन, उसके बाद ये बैलेंस कैरी डाउन अगले महीने ब्रॉड डाउन होता है, ये हम कई बार देख चुके हैं मई 1, तो बाय बैलेंस BD। इसी तरीके से सारे अकाउंट मारे आपने इसी तरीके से। अब आप देखो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हाँ ये एक और चीज़ थी, ये अकाउंट हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी अभी, इसमें एक और चीज़ आनी थी, ठीक है, तो इसको चलो इसको मैं एक और बार बनाता हूँ दोबारा से। तो देखो मैंने दोबारा सुनवा लिया है क्योंकि एक गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि हमने क्या करा था वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से सिर्फ अप्रैल 1 को मालने खरीदा था, एक और भी खरीदा था अप्रैल 30 को भी खरीदा था, 5 वॉशिंग मशीन याद है, इसलिए हमने इसको क्या करा था टोटल करके यहाँ लिख दिया था। तो इसको भी तो लिखेंगे, तो दोबारा से लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। तो लेकिन अब जो बाय परचेज अकाउंट लिखेंगे वो अप्रैल 30 को खरीदा था, पहले अप्रैल 1 का लिख दिया, तो यानी कि अप्रैल 30 को दोबारा से बाय परचेजेस अकाउंट। अब यहाँ पर फ्रेट नहीं दिया था, दिया था मेरे भाई यहाँ पर भी दिया था, तो पहले तो परचेज अकाउंट में जो जाएगा जो कॉस्ट वैल्यू है 60,000 रुपये, 60,000 रुपये जाएगा, और बाकी का जो 1,000 रुपये आपने दिया था वो फ्रेट का भी, फ्रेट का देना है, तो यहाँ लिखिए बाय फ्रेट इनवर्ट्स अकाउंट, ठीक है। अब हम इसका टोटल करते हैं, अब हम करेंगे टोटल, अब हम करेंगे अब, तो इसका टोटल जब आप करोगे तो आप देखोगे तो हमारे सामने आपको पहले से पता है कि टोटल कितना आएगा। देखो ये हमने लिखा था 4,68,000, ये हमें पहले से पता है 4,68,000 आएगा, और यही टोटल 4,68,000 यहाँ भी आना चाहिए, और ये आपका महीने के एंड में आ गया बैलेंस इस अकाउंट में। तो अप्रैल 30 को टू बैलेंस कैरी डाउन 4,68,000, और यही हम कर देते हैं फिर ब्रॉड डाउन कर देते हैं मई 1 को बाय बैलेंस BD, ठीक है। सिंपल तरीके से ऐसे ही और माने हैं, देखो अब ये इसका भी सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी का तो बड़ा सिंपल है, देखो इससे तो बिल्कुल हमने ना तो फ्रेट दिया ना कुछ दिया, अप्रैल 15 को सीधे एंट्री होगी, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 15, तो 2022 अप्रैल 15, तो बाय परचेज अकाउंट आपको पता है अब तो चल गया है, ये सीधा क्या लिखते हैं बाय परचेज अकाउंट, और ये आपका आ जाएगा कितने का, 1,80,000 रुपये, तो 1,80,000 का आएगा, और कुछ तो फ्रेट ना कुछ और भी नहीं, और सामान खरीदा नहीं इसके महीने में, तो यही आपका टोटल हो गया। तो यानी कि 2022 अप्रैल 30 को ही निकालेंगे बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000 रुपये, और ये आपका ब्रॉड डाउन हो जाएगा, तो 2022 मई 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, समझ आ गई बात। उसके बाद आप देखो म्यूजिक इंडिया लिमिटेड डेली, इसका भी अकाउंट आते हैं, तो म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली का आप देखोगे तो ये है अप्रैल 20 को खरीदा, इसमें भी फ्रेट नहीं है, तो 2022 अप्रैल 20 को खरीदा है, तो यानी कि बाय परचेजेज अकाउंट कितने खरीदा था 85,000 का, तो यहाँ लिखते हैं फिर 85,000, ठीक है, और यही आपका बस आ गया टोटल, क्योंकि और तो आपने खरीदा ही नहीं है इसे, और आपका बेसिकली 2022, फिर ये अप्रैल 30 को दोबारा से बैलेंस निकालेंगे, फिर आएगा टू बैलेंस
कैरी डाउन 85,000, और ये आपका अगले महीने क्या होता है, लोड। ठीक है, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट अकाउंट है, वो बेसिकली बनेगा फ्रेट इनवर्ट का। ये बेसिकली बड़ा सिंपल है, आपने देखो, आप देख सकते हो फ्रेट इनवर्ट कहाँ का लिखा हुआ है, आप सीधा वहाँ से पोस्टिंग कर सकते हो। आपने जहाँ जहाँ फ्रेट इनवर्ट लिखा, देखो यहाँ पर दो जगह फ्रेट इनवर्ट लिखा हुआ है, तो अगर फ्रेट इनवर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, इसका बाय करके लिखा हुआ है, यानी कि फ्रेट इनवर्ट क्या होगा, डेबिट होगा। या फिर आप देख सकते हो यहाँ से कि भाई फ्रेट इनवर्ट आपने डेबिट कर रखा है, तो फ्रेट इनवर्ट अकाउंट के डेबिट साइड पर, आपको पता है खर्चा है तो भैया डेबिट साइड भी आता है, तो यानी कि 2022। ठीक है, आप सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें अप्रैल 30 को ही सीधा लिख सकते हो, अगर आपको सीधा टोटल लिखना है, टोटल लिखना है, क्योंकि भैया अलग अलग दिखाना चाहते हो तो अलग दिखा सकते हो कि भैया अप्रैल 1 को फ्रेट इनवर्ट इतना पे किया, तो यहाँ लिखो टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, फिर दोबारा से अप्रैल 30 को टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो परचेज अकाउंट का हमने सीधा बनाया कि महीने के एंड में सीधा टोटल बता दिया, ऐसे ही यहाँ पर भी सीधा टोटल बता सकते हो। लेकिन हाँ, इनके नहीं टोटल बताने थे, क्योंकि भैया इन पे तो आपको दिखाना है ना कि कब, क्योंकि किस डेट को आपने खरीदा था, तो कोई पैसा देने का मामला है यहाँ पर, पैसा देना है इनको, तो भाई तो पता होना चाहिए किस डेट को खरीदा था। लेकिन यहाँ पर हमें पता करने की जरूरत नहीं कि किस डेट को फ्रेट इनवर्ट मैंने मतलब किसको कितना कितना देना है, नहीं, यहाँ तो हमें सीधा मतलब है टोटल से। तो टोटल करेंगे अप्रैल 30 का, देखो फ्रेट इनवर्ट का अकाउंट का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है कॉलम का, 3,000 आ रहा है, तो 3,000 सीधा लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, वही जैसे टू सन्ड्रीज, जैसे उसमें लिखा था टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, कि परचेजेस बुक में आपका इसका फ्रेट इनवर्ट का कॉलम का टोटल देख लिया, 3,000 आया था, तो 3,000 हो गया ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है ना, इतना मुश्किल करना चाहते हो तो अलग अलग ले सकते हो। फिर यहाँ पर महीने के एंड में दोबारा से अप्रैल 30 को ही बैलेंस आएगा, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन